कालाधन रखने वालों को सरकार ने आखिरी मौका दिया है। सरकार ने आज से एक नई इनकम डिस्क्लोजर स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत 50% टैक्स और जुर्माना देकर आप अपनी काली कमाई को सफेद कर सकते हैं। सरकार की यह नई इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 31 मार्च तक जारी रहेगी। जो लोग 31 मार्च के बाद ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे बचने के लिए कालेधन वालों को अपनी काली कमाई का आधा हिस्सा गरीब कल्याण के लिए सरकार को देना होगा। यानी कि इस योजना के तहत धन की घोषणा करने वाले को अपनी रकम का 1/4 हिस्सा ऐसे खाते में 4 साल तक रखना होगा जिसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि स्कीम के तहत अपनी अघोषित आय का खुलासा करने वालों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक कानूनों के उल्लंघन की सूरत में कोई रियायत नहीं मिलेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन का खुलासा करने वालों की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने इसको लेकर आयकर कानून में जरूरी संशोधन पर संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी भी ले ली है। वहीं सरकार ने इसके अलावा लोगों से यह आग्रह भी किया है कि वे काले धन से जुड़ी कोई भी सूचना सरकार को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो कालाधन कारोबारियों के पास अब एक और मौका है अपनी ब्लैक मनी को सफेद करने का। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से अब तक आयकर विभाग ने छापेमारी में 316 करोड़ की काली कमाई जब्त की है और अभी भी देश में कालेधन कुबेरों की भरमार है। ऐसे में अब ये उन लोगों के पास आखिरी मौका है। देखते रहिए डीबी लाइव।